ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಪುಟ ರಚನೆ ದಿನಾಂಕ 23/8/2023 ರಂದು ಕ್ರೆಸೆಂಟ್ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಾಂಧಿನಗರ ಮೈಸೂರು ಮೊದಲಿಗೆ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಪಥಸಂಚಲನದ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಯಿತು ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವಕೀಲರಾದ ಹೇಮಲತಾ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾದಂತ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆರ್ ಸಿಆರ್ಪಿ ಜಮೀರ್ ಖಾನ್ शालिया आडळित मंडळिया कार्यदर्शी मुदासिर अहमद शालिया आडळित मंडळिया अध्यक्षराद तौसिफ खान शालिया मुख्योपाध्यायराद मेरी हागू मत्तलवरु उपस्थितरिद्दरु मक्कळल्लि संपुट रचने मत्तु राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सीएम फुड मिनिस्टर एजुकेशन मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर होम मिनिस्टर इवरन्न वस्त्रवन्न धरिसि अवरिगे प्रमाण वचन माडलागित्तु इन शाली 75 विद्यार्थी शालू 60 वर्ष शालीये इन शाली ओद विद्यार्थी डॉक्टर इंजीनियर्स लायर शिक्षक होरदेशक्कू होगिद्दारे कॉर्पोरेटर आगिद्दारे एंबुदु हेम्मेय विचार निरंतर सुद्दि समाचार नोड़ी मैसूर न्यूज 21। ಸರ್ ನಮಗೆ ನಾನು ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಿದು ಸಂಪುಟ ರಚನೆ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಿಆರ್ಪಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಜಹೀರಾ ಮೇಡಂ ಅವರು ನಮಗೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಒಂದು ನಿಲ್ಲಬಾರದು ಈ ಶಾಲೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಬೇಡ ಇದು ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ನಮ್ಮ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ನಡೆಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಂಗ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚಾ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಇವೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಉದ್ದು ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಿಂದ ಕನ್ನಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮೇಡಂ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 1 ಟು 5th 56 ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಈ ಚಾನೆಲ್ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟಪಡೋರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಬೇಕು ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡಬೇಕು ಅವರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಅವರಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ನ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ದಯವಿಟ್ಟು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮೊಬೈಲ್ ನ ಕೊಡೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಚಿಕ್ಕದಿಂದಲೇ ಮಗು ಅಳ್ತಾವ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡಬಾರದು ಅದೇ ಬದಲಿ ಒಂದು ಆಟ ಸಾಮಾನನ್ನ ಏನೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಮಗುವನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಚಟವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನೀಡೋದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದೀನಿ ಸರ್ ಅಸ್ಸಲಾಮು ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು ಬಹುತ್ ಖುಷಿ ಹುಯಿ पहली बार मैं इस फंक्शन में आया हूँ क्रेसेंट एजुकेशन सोसाइटी में। ये तो हमारी फैमिली की मैनेजमेंट है, फाउंडर हमारे वालिदा थे, वो सारे हमारे भाई बहन सब यहाँ सेक्रेटरी होके गए हैं। मैं पहली बार आया हूँ, बहुत खुशी हुई देख के बहुत प्रोग्रेस हुआ है। तौसीफ साहब, मीना मैडम और सारे दूसरे भी स्टाफ जो भी हैं उन्होंने कोऑपरेशन दे के बहुत आगे ले गए हैं, उम्मीद है कि उसे और आगे ले जाएंगे। बस यही एक गुजारिश है तौसीफ से कि मदरसे का एक यूनिफॉर्म अलग होता है, स्कूल का अलग होता है, अगर वो बेहतर होगा, अगर स्कूल में जब बच्चे आते हैं तो उनको एक तरीके का स्कूल का यूनिफॉर्म बना के उनको बिठाएं तो उनको स्कूल का एक ये एनवायरमेंट मिलता है। बस यही है कि सारा कुछ मैंने देखा, बहुत प्रोग्रेस हुआ है, कोई हर चीज़ में प्रोग्रेस हुआ है और ऑफिशियल्स भी तारीफ कर रहे हैं, सुना है तो इंतज़ार कर रहे थे, कोई ऑफिशियल आने वाले थे, आज आए नहीं, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा चल रहा है। इसमें जो है ये दोनों का बहुत यह पार्ट, तौसीफ और मीना मैडम का, मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि ये सिंसियर तरीके से आगे ले जाने की कोशिश करें। इस स्कूल की शुरुआत कितनी ईस्वी में हुई? ये शुरू हुई थी 1964 में, 1964 मेरी वालिदा ने किया था, वहीदा बेगम करके, यहाँ के सारे लोग जो हैं जानते हैं उनको, मैडम के नाम से जानते हैं, वहाँ से शुरू हुई थी हमारी। और रॉयल स्कूल को पहली बार प्राइवेट स्कूल को रिकग्निशन मिला था, कॉन्वेंट्स वगैरह छोड़ के, ये जस्ट एक इंग्लिश मीडियम रॉयल हुई थी और उर्दू मीडियम इसमें क्रेसेंट को मिला था। ये उस ज़माने से है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बच्चे यहाँ से तालीम हासिल करके कई इंजीनियर्स डॉक्टर हुए हैं,
मैंने दो तीन डॉक्टर्स को सऊदी अरबिया में मिला था जो हमारी स्कूल से दे रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ चल रहा है, अब तो देख रहा हूँ कि बच्चे भी ज़्यादा हो रहे हैं, इंशाल्लाह प्रोग्रेस होगा इस स्कूल का। उभरते हुए नौजवानों को क्या बोलना चाहिए? बस इनको यही कहना चाहता हूँ कि दोनों दो तालीम भी ज़रूरी है, मदरसे की भी स्कूल की, इस पर जोर देना चाहिए क्योंकि सिर्फ मदरसे से तालीम नहीं हासिल होती, एजुकेशन के लिए स्कूल की भी तालीम ज़रूरी है। तो इनको एक्सपोज करना पड़ता है कि दुनिया में क्या हो रहा है बोल के, उनको एक कॉर्नर नहीं कर देना चाहिए कि सिर्फ मदरसे की चीज़ें से सीख के आगे बढ़ें, दो भी होना चाहिए। वो ये इस पर ज़ोर दे रहा हूँ तौसीफ को कि इस तरीके से बनाओ स्कूल और मदरसा। मदरसे जब उतर के स्कूल में आते हैं तो बच्चे को एहसास होना चाहिए कि ये स्कूल में पढ़ रहा है। इन बच्चों के वालिद और वालिदा के लिए क्या है मैसेज? वालिदा वालिदा के लिए ये पता नहीं, तो उसी बहुत कोशिश करके यहाँ बच्चों को एडमिशन कराए हैं, कई जो है उनको जाकर ले के आना पड़ता है। बस उनसे ये गुजारिश है कि ताउन करे स्कूल के साथ, जो भी बोलते हैं वो सुन के बच्चों को वक्त पर स्कूल भेजें और उनके सफाई का ख्याल रखें। जब स्कूल से आते हैं तो उनका और होमवर्क वगैरह करने की हिदायत दें। स्कूल में सिर्फ मिलते हैं बैठते हैं, मगर जो असल बाद में जो होता है माँ बाप जो उनको तालीम देते हैं उस तरीके से ही वो आगे बढ़ते हैं, वो ख्याल उनमें डालना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मेरा नाम ज़हीरा खानम है, मैंने जामिया क्लस्टर की सीआरपी की हैसियत से मेरा काम अंजाम दे रही हूँ। मुझे आज बड़ी ही खुशी हुई, आज इस क्रिसेंट स्कूल में एक कैबिनेट मिनिस्टर की जो ओथ टेकिंग सेरेमनी थी, माशाल्लाह इट वाज वेरी गुड। हमारे डिपार्टमेंट से हमारे बीईओ सर श्री कृष्णा सर भी यहाँ आने वाले थे, मगर चंद मसरूफियात की वजह से बहुत से जगह प्रतिभा कारण जी थे और सर को एक वर्कशॉप भी थी तो इस वजह से वो आ ना सके, वो भी इंतज़ार में थे कि आए यहाँ पर। फिर भी सर ने भी इस स्कूल के लिए उनकी तरफ से दिली मुबारकबादी पेश की है, ये बहुत अच्छा काम अंजाम दे रहे हैं। स्पेशली यहाँ पर मदरसा और स्कूल दोनों चल रहा है, ये प्लस पॉइंट है क्योंकि बहुत से हमारे बच्चे ओवरएस यानी कि ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं, वो मदरसों में जाने की वजह से वो बच्चों को सैट्स नहीं मिल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस क्रिसेंट मदरसे में जो कासिम कुरैशी मदरसा था वो मदरसा स्कूल के साथ टाई अप होने की वजह से बच्चों को यहाँ पर दीनी और असरी दोनों ही तालीम हासिल करने का एक सुनहरा मौका हासिल हुआ है। तो मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि काश हमारे दूसरे मदारिस जो हमारे मदरसे चल रहे हैं अगर वो भी स्कूल के साथ अगर जम हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को जो भी सहूलियात गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं मुहैया होते हैं वो इन्हें मिलने में आसानी हो जाएगी और बच्चों को सर्टिफिकेट्स आइंदा उन्हें जब डीएल बनाना हो या अब्रॉड जाना हो पासपोर्ट की जरूरत हो तो बच्चों को आज डॉक्यूमेंटेशन की बहुत जरूरत है और एजुकेशन की बहुत जरूरत है। हमें भी जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इल्म हासिल करो ख्वाह तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े, तो यहाँ पर ताइल्म से मुराद सिर्फ दीनी इल्म नहीं दुनियावी इल्म भी हासिल करना बच्चों के लिए उतना ही अहम जरूरत अशद जरूरत है। इसलिए मैं तमाम को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि दूसरे मदारिस भी क्यों ना इस तरह का एक अहम कदम आगे बढ़ाकर तमाम मदरसे वाले भी जो वहाँ के लोकल में उर्दू स्कूल्स हैं वहां पर वो बच्चों का अगर दाखिला करवा दिया जाए तो मदरसे की तालीम जो है सुबह फजर से 10 बजे तक चलेगी, उसके बाद पास के मदरसे में बच्चों को उर्दू स्कूल में दाखिला करवा दें, 4 बजे तक वहां पर बच्चे उर्दू कन्नड़ा इंग्लिश वो इल्म हासिल कर लेंगे उसका, उसके बाद फिर से 4 असर के बाद से ईशान तक बच्चों को अगर दीनी इल्म दिया जाए तो बच्चे हाफिज कुरान भी होंगे अल उलमाए के साथ एक आईएएस ऑफिसर भी होंगे। हमारा ख्वाब है कि हमारे बच्चे एक आईएएस ऑफिसर होते हुए एक हाफिज कुरान एक आईएएस ऑफिसर हो, एक हाफिज कुरान एक आलिम दीन जो है एक आलिम दीन जो है एक कमिश्नर बने एक डॉक्टर बने। शाहीन अकेडमी अब माशाल्लाह बहुत ही अच्छा स्टेप ले रहे हैं कि जो हमारे ऐसे बच्चे हैं जो मदारिस में पढ़ रहे हैं उनके लिए हाफिज प्लस का एक प्लान चल रहा है,
हमारी दिली तमन्ना है कि हमारे तमाम बच्चे भी इसी तरह से एक आलिम, एक हाफिज होते हुए एक अफसरान के ओहदे पर एक इंजीनियर और एक डॉक्टर बने, इस उम्मीद के साथ मैं अपनी जगह वापस लेती हूँ। तो जो भी हमारे यानी के सोशल वर्कर्स हैं, बहुत से नौजवान हैं, यंगस्टर्स हैं, तो हमारे कौम का एक हमारी जो एक मुल्क का मुस्तकबिल रोशन होना हो, तो ये नौजवान बच्चे जो हैं हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, वो आगे चलकर इस मुल्क का रोशन सितारा बन सकते हैं। तो एक प्रोवर्ब है कि द नेशन डेस्टिनी इज शेप्ड इन द क्लासरूम। सो मेरा एक मैसेज है कि तमाम जो सोशल वर्कर्स हैं वो बच्चों को ढूंढें, अगर वो ओएससी हैं तो बुला लेकर आकर स्कूल में दाखिला करवाएं।